हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज है क्लास 16 एंड इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईयर बेस्ड पजल। ओके, तो शेड्यूल आपका जो शेड्यूल बेस्ड था उसमें हम लोगों ने दो क्लास डिस्कस करने के लिए अपना शेड्यूल बनाया था। एक फर्स्ट क्लास जो थी उसमें मैंने आपका जो टाइम स्लॉट वाले जो पजल होते हैं वो एंड आपके जो डेट वाले होते हैं वो कवर करे थे। तो आज हम लोग ईयर बेस्ड कवर करेंगे। ओके, दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं एंड दोनों का ही लेवल काफ़ी अच्छा है। आपका प्री से थोड़ा सा ऊपर ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका प्री में ना पूछा जाए ये लेवल। ठीक, क्वेश्चन का लेवल मैं सभी का अच्छा रख रही हूँ क्योंकि आगे आपका जो IBPS PO है, क्लर्क है, प्लस आपका जो LIC प्री है, उन तीनों को मैं ध्यान में रख के सीरीज को अब बना रही हूँ। ओके, चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ओके, सबसे पहले आप लोग प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको एक बार पढ़कर देख लें। ठीक है, एंड अगेन आप लोग ईयर वाले में ये चीज ध्यान रखेंगे कि कब ये गैप जो है वो ईयर का ले रहे हैं और कब ये गैप किसी पर्सन का ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी अगर आपके जो ईयर हैं वो सीधे सीधे इस तरीके से दिए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर ईयर उन्होंने ऐसे दे दिए हैं कि 2001, 2003, 2007, 2008, 2010, 9, ठीक है, 2011, ठीक, मतलब गैप ले लेकर दे दिया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर गिवन है कि ए और बी के बीच में दो पर्सन का गैप है तो आप लोग दो पर्सन का गैप 1, 2 सिंपल दे सकते हैं, लेकिन दो ईयर का गैप है तो फिर आप लोग उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, इस चीज का आप लोग फिर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको शेड्यूल जब की लास्ट वाली हम लोगों ने सेशन लिया था उसे मैंने इसको पूरा बताया था, एक्सप्लेन करा था, तो बस वही है आपका यहाँ पर भी। उसमें आपके जो डेज थे, जो डेट थी, उन पर ध्यान देना था, यहाँ पर आपको अपने ईयर पर ध्यान देना है। ठीक है, बाकी आपका जो बेसिक है वो वही है। और आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देयर आर सिक्स मिनिस्टर्स PQRST and U हु लॉन्च डिफरेंट स्कीम अमंग उड़ान, वरुण, वाईफाई, लाइफ, ज्ञान एंड शिक्षा। दीज स्कीम वर लॉन्च इन डिफरेंट ईयर्स अमंग 2001, 2004, 2005, 2008, 2011 एंड 2012। ओके, तो आपके जो सिक्स मिनिस्टर हैं ये आपके डिफरेंट स्कीम लॉन्च करते हैं, डिफरेंट स्कीम के नाम भी इन्होंने दिए हैं, प्लस इन्होंने यहाँ पे ईयर भी दे दिए हैं। ठीक, तो बेसिकली दो वेरिएबल का यूज करा गया है, तो ऐसा नहीं है ये आपका प्रीलिम्स बेस्ड नहीं है, प्री बेस्ड ही है ये आपका। ओके, आपका करीबन इतना लेवल तो आप लोग लेकर चलिए ही चलिए, इनफैक्ट इससे अच्छा लेवल भी आपका प्री में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है अब पेपरों में। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं ईयर लिख लेती हूँ। तो ईयर आप लोग कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली आप लोग जो असेंडिंग ऑर्डर है उसी में लिखेंगे, क्योंकि अगर उसमें ये दिया जाता है कि ए जो है वो बी के बाद जाएगा या फिर पी जो है वो क्यू के बाद आएगा तो फिर आप पी को नीचे और क्यू को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2001, 2004, 2005, 2008, 2011 और 2012। ठीक है, अब यहां पे ये कह रहे हैं मिनिस्टर एस लॉन्च स्कीम शिक्षा विच वॉज लॉन्च 4 ईयर आफ्टर स्कीम वाईफाई। तो अब आप देखो यहां पे आपको उसी चीज का ध्यान रखना है, गैप का। ठीक है, जो मिनिस्टर एस है वो कौन सी स्कीम लॉन्च कर रहा है, शिक्षा स्कीम लॉन्च कर रहा है। ठीक है, लेकिन 4 ईयर्स आफ्टर कर रहा है, तो 4 ईयर्स आफ्टर का मतलब आपका यहाँ पे ये है कि आप 4 का गैप नहीं देंगे, आप गैप 3 का देंगे और चौथे ईयर में जिस ईयर आपका वाईफाई वाली स्कीम लॉन्च होगी उसके बाद आप 3 ईयर का गैप करके 4th ईयर में आप किसको देंगे, शिक्षा वाले को देंगे। ठीक है, तो आप देखो अगर वाईफाई में 2001 में देती हूँ तो 2, 3 एंड 4 का आपको गैप करना पड़ेगा और 2005 में आप क्या देंगे, शिक्षा वाली ऐप देंगे, सॉरी शिक्षा वाली जो स्कीम है वो देंगे। ठीक, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आपकी जो वाईफाई स्कीम है वो 2001 में आती है तो शिक्षा कब आई होगी आपकी, 2005 में। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, पांचवे आपका जो 5 ईयर 2005 है उसमें आपकी यहां पे शिक्षा आएगी। ध्यान रखिएगा
यहाँ पे 4 years आफ्टर, मतलब आपको 3 years का गैप, और फोर्थ वाले ईयर में आपको क्या देना है, उस एस को देना है, ठीक, शिक्षा को देना है, ठीक है, 4 का गैप मत लीजिएगा। अब जैसे ही अगर वाईफाई अगर यहाँ पर आता है तो आप 3 का गैप लीजिए, 2004 के बाद क्या आएगा, 2005 का गैप, 2006 का गैप, 2007 का गैप, और 2008 में आपकी क्या आ सकती है, जो शिक्षा वाली स्कीम है वो आ सकती है, ठीक, एस। 2005 में अगर आपकी वाईफाई आता है तो 2006 का गैप, 2007 का गैप, 2008 का गैप, 2009 में आपकी जो शिक्षा स्कीम है वो आनी चाहिए 2005 में अगर वाईफाई आती है तो, लेकिन स्पेस नहीं है, यानी कि आपका स्पेस नहीं है इन दी सेंस कि वो आपका वेरिएबल में नहीं है, तो यानी कि आपकी जो वाईफाई स्कीम है वो अगर 2008 में आती है तो 9 का गैप, 10 का गैप, 11 का गैप और 12 में आपकी जो शिक्षा है वो आ जाएगी, ठीक। सो आई होप आपको ये गैप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ओके। देन आगे कह रहे हैं कि मिनिस्टर लॉन्च स्कीम वरुण विच वॉज लॉन्च 3 ईयर बिफोर स्कीम उड़ान विच वॉज लॉन्च्ड बाय पी। देखो यहां पे ये कह रहे हैं कि वरुण जो है वो 3 ईयर बिफोर स्कीम है, किससे, उड़ान से, यानी कि आपका जब वरुण लॉन्च होगी तो उसके 3 ईयर बाद, यानी कि 3rd ईयर में, ठीक, 3 ईयर बाद यानी कि 3rd ईयर में, 2 का गैप करके 3rd ईयर में आपकी कौन सी लॉन्च होगी, उड़ान लॉन्च होगी, और उड़ान जो है वो किसने लॉन्च करी है, मिनिस्टर पी ने लॉन्च करी है, ठीक। आई थिंक ये पी है ना, आर तो नहीं है, हाँ पी है, ठीक, पी। देखो पॉसिबिलिटी बन रही है क्या कोई, अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो छोड़ देंगे, अगर नहीं बन रही है तो हम इसे फिक्स कर लेते हैं। अगर वरुण मैं 2004 को देती हूँ तो 2005 2006 का गैप करके 2007 पे आपको उड़ान देना चाहिए, लेकिन 2007 यहाँ पे नहीं है। 2008 को अगर वरुण देती हूँ तो 2009 और 2010 का गैप करके 2011 में आपको उड़ान को देना चाहिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक। 2011 में वरुण को देती हूँ तो यहाँ पर आपकी उड़ान की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेसिकली आपकी जो फर्स्ट वाला यहाँ पर डायग्राम है, इसमें अगर आपका वरुण यहाँ पर आता है 2008 में, तो 9 और 10 का गैप करके, ठीक, देखो यहाँ पर है नहीं, वो ईयर लिखे नहीं गए हैं, लेकिन उनके 3 ईयर के बाद का मतलब यही है कि उन ईयर जिनको छोड़ दिया गया है आपको उनको भी काउंट करना है, ठीक। 2010 का गैप करके 2011 में आपकी क्या आई होगी, उड़ान आ गई होगी, ठीक। एंड यहां पर आप देखोगे अगर 2001 में वरुण वाली स्कीम आती है तो 2002 का गैप करके, 2003 का गैप करके 2004 में आपको उड़ान आने चाहिए, लेकिन उड़ान 2004 में नहीं आ सकती बिकॉज वाईफाई फिक्स है। तो अगर आप 2005 में यहाँ पे वरुण देते हो तो 6-7 का और 8 का गैप करके 2009 में उड़ान आना चाहिए, बट नहीं आ सकता। और अगर 2011 में यहाँ पे वरुण देते हो तब भी आपका जो उड़ान है वो आगे नहीं आ सकती, यानी कि ये डायग्राम तो फिर यहाँ पे कट हो जाएगा, है ना। 2001 में अगर आप वरुण देते हो इस वाले कंडीशन में, तो 3 ईयर यानी कि 3 ईयर्स के आफ्टर आप उड़ान को 2004 में दे सकते हो, ठीक। एंड 2004 में अगर और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, अगर 2004 में वरुण देते हो तो आपको 5-6 का गैप करके 2007 में उड़ान देना चाहिए, बट 2007 नहीं है। 2005 में अगर वरुण देते हो तो 6-7 का गैप करके 2008 में उड़ान आना चाहिए, बट यहाँ पर आपका वाईफाई फिक्स है। तो बेसिकली यहाँ पे वरुण की और उड़ान की एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक। उड़ान स्कीम जो है वो लॉन्च करी है मिनिस्टर पी ने, तो आप यहाँ पे दोनों जगह मिनिस्टर पी को लिख दोगे। आगे कह रहे हैं मिनिस्टर टी लॉन्चेज हिज स्कीम आफ्टर मिनिस्टर यू बट बिफोर मिनिस्टर आर। तो मिनिस्टर टी जो है वो लॉन्च करेंगे यू के बाद, लेकिन आर से पहले, ठीक, इसको ऐसे लिख लेंगे। आगे कह रहे हैं निदर मिनिस्टर यू नॉर क्यू लॉन्च स्कीम वाईफाई। तो आपका जो यू और क्यू यहां लिख लेते हैं, वाईफाई स्कीम नहीं आएगी, ठीक। फिर क्यू डिड नॉट लॉन्च स्कीम इन 2011 और 2005। तो आपकी क्यू जो है वो 2005 में नहीं आएगी और 2011 में नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप इसे फिक्स करना चाहें तो आप कैसे फिक्स करेंगे, देखो यू टी आर को अगर आपको यहाँ पे फिक्स करना है तो आपका यहाँ पे मना करा गया है कि यू को वाईफाई नहीं मिलेगा, ठीक, यू को वाईफाई नहीं मिलेगा, तो फिर यू यहाँ पर आएगा और यू यहाँ पर आएगा मतलब टी उसके नीचे और आर उसके नीचे, क्योंकि ये फिक्स करा गया है। तो क्यू जो है वो कहाँ पर आएगा, 2001 में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्यू को भी वाईफाई मना करा गया है ना, तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी फिर यहाँ से कट जाएगी, राइट।
इसकी अगर बात करते हो तो क्यू जो है वो 2005 में नहीं आएगा, 2011 में नहीं आएगा, है ना। तो 2005 और 2011 में नहीं आएगा, तो जो क्यू है उसके अलावा कहाँ आ सकता है, वाईफाई वाली जगह पे 2008 में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, ठीक, क्योंकि ऊपर मना कर दिया गया है। तो क्यू की पॉसिबिलिटी कहाँ बनेगी, वरुण वाले पे बनेगी, और यू टी आर का आपको इन्होंने दे रखा है कि यू के बाद टी, टी के बाद आर आएगा, तो इसको तो आप कायदे से इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक। तो ये ऐसे ही लग जाएगा। अब आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी कौन सी वाली स्कीम में, एक तो लाइफ स्कीम है वो, एंड शिक्षा नहीं, ज्ञान, ठीक है। तो आपकी लाइफ अगर यू को मिलती है तो ज्ञान आपकी आर को मिलेगी, ज्ञान आर को मिलती है तो आपकी जो लाइफ है वो किसको मिलेगी, यू को मिलेगी, ठीक। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में क्या रहेगा, पॉसिबिलिटी केस रहेगा, राइट। सो आई होप इस क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, उसको भी डिस्कस करते हैं। 2011 में कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है, तो ये तो हमें पता नहीं है, आंसर क्या होगा यहाँ पे, सीएनडी। देन स्कीम शिक्षा वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, शिक्षा स्कीम जो है वो किस ईयर में लॉन्च हुई है, 2012 में, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देन हाउ मेनी स्कीम वर लॉन्च बिफोर स्कीम उड़ान, उड़ान से पहले कितनी स्कीम लॉन्च हुई है, तो खाली एक स्कीम लॉन्च हुई है, ओनली वन। ओके, तो प्लीज एक बार आप लोग इसको, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देयर आर सेवन कंपनीज विच बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। आपकी यहाँ पे सेवन कंपनीज हैं जो कि डिफरेंट स्टेट से हैं, वर इस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट ईयर्स अमंग 2001, 2004, 2006, 2007, 2009, 2012 एंड 2013। तो आपकी जो सेवन कंपनीज हैं ये आपके डिफरेंट स्टेट से हैं, इन्होंने सेवन कंपनीज के नाम नहीं दिए हैं, डिफरेंट स्टेट के नाम नहीं दिए हैं, ये आगे स्टेटमेंट में ही देंगे। और वो उनकी वो जो कंपनी इस्टेब्लिश हुई हैं वो अलग अलग ईयर में हुई हैं, तो वो ईयर इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक। तो आप आराम से यहाँ पे ईयर को फिक्स कर सकते हो, तो आप ईयर फिक्स कर लो, ठीक। तो ईयर फिक्स करोगे तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2001, फिर आपका क्या आ जाएगा, 2004। अब इसमें भी देख लो कुछ भी सीधा नहीं है, सब इन्होंने गैप दे देकर यहां पे लिखा हुआ है। कंपनी बी विच बिलोंग टू असम वॉज इस्टेब्लिश्ड 3 years आफ्टर कंपनी ऑफ सिक्किम। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका जो कंपनी बी है वो असम से है और 3 साल के बाद इस्टेब्लिश हुई है, उस साल से जिस साल में सिक्किम आएगा। तो 3 years आफ्टर का मतलब 3 का गैप नहीं, 2 का गैप और 3rd year में, ठीक। बेसिकली जिन 2 year को आप लेंगे उन 2 year में 2 year का गैप होगा, ठीक है। उन दोनों ईयर में कितने का होगा, 2 years का गैप होगा। तो अगर 2001 में सिक्किम आता है तो 2 और 3 का गैप करके आप लोग यहाँ पे 4 पर क्या दे सकते हो, असम दे सकते हो। 2004 में अगर सिक्किम आता है तो आप 5 और 6 का गैप करके 7 में असम दे सकते हो। 6 में अगर आपका सिक्किम आता है तो 7 और 8 का गैप करके 9 को असम दोगे। 7 में अगर आपका सिक्किम आता है तो 8 और 9 का गैप करके 10 को देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो नहीं मिलेगी बिकॉज आपका 10 गिवन नहीं है। 2009 में सिक्किम आता है तो 10 और 11 का गैप करके आप 12 देंगे, ठीक। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो चाहे तो आप इसे बना सकते हो, वरना आप इसे अभी रख सकते हो। रखने के बाद मतलब ये है कि अभी आप इसे अलग से लिख लो, फिर आपका जैसे जैसे आगे क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको मिले, उससे रिलेटेड जब पॉइंट्स मिले तब आप उसको बनाओ। तो आप ये लिख लो कि बी जो है वो कहाँ से है, असम से है, ठीक। और ये कैसे आएगा आपका, सिक्किम के प्लस 3rd year, ठीक। 3rd year आपको ये ध्यान रखना है, प्लस 3 मत कर देना, ध्यान रखना कि 3rd year 2 का गैप होगा और तीसरे वाले में आएगा, ठीक। ऐसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप इसको बिल्कुल क्लियर रखकर चलें तो बेहतर है। आगे कह रहे हैं, कंपनी ई विच बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश वॉज इस्टेब्लिश्ड 5 years आफ्टर कंपनी जी विच बिलोंग्स टू दिल्ली, ठीक है। देखो मैं एक चीज आपको और बताती हूँ,
जैसे कि मान लो आपका एक पॉइंट हो गया ये वाला, सिक्किम प्लस थर्ड इयर इज इक्वल टू असम, और एक पॉइंट हो गया ये वाला कि ई जो कि मध्य प्रदेश से है, ठीक है, ये आफ्टर 5 ईयर्स इस्टेब्लिश हो रही है किसके, जी के, जो कि दिल्ली से है, ठीक। तो अगर आपकी ये दो पॉइंट गिवन है और आपको अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो आप लोग किस पॉइंट से करेंगे? देखो हमेशा आप लोग उस पॉइंट से करना जिसमें आपका ईयर का गैप ज्यादा हो, क्योंकि जिसमें आपका ईयर का गैप ज्यादा होगा उसमें पॉसिबिलिटीज कम होंगी, ठीक। भाई ईयर का गैप ज्यादा है तो वेरिएबल भी उनका गैप भी ज्यादा होगा, जब वेरिएबल का गैप ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपकी पॉसिबिलिटीज कम होंगी। तो इसलिए जब आपको इसमें से और इसमें से सिलेक्ट करना हो कि मुझे किस पॉइंट को उठाना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो आप लोग जिसका ईयर ज्यादा हो उस ईयर को आप लोग स्टार्ट करें, ठीक। आगे कह रहे हैं, कंपनी ऑफ वेस्ट बंगाल वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर कंपनी ऑफ राजस्थान बट बिफोर कंपनी ए विच बिलोंग्स टू मणिपुर। तो आपकी जो वेस्ट बंगाल वाली कंपनी है वो आफ्टर आएगी किसके, आफ्टर आएगी राजस्थान के, बट बिफोर आएगी मणिपुर के, ठीक। और मणिपुर में क्या आएगा, आपका ए कंपनी आएगी, ओके। देन कंपनी डी विच डज नॉट बिलोंग टू राजस्थान, तो कंपनी डी जो है उसको क्या नहीं मिलेगा, राजस्थान नहीं मिलेगा। वॉज एस्टैब्लिश बिफोर कंपनी सी बट आफ्टर कंपनी एफ, लेकिन आपकी जो डी है वो सी से पहले एस्टैब्लिश है मगर एफ के बाद एस्टैब्लिश है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, एफ विच वॉज नॉट एस्टैब्लिश इन 2001, तो एफ जो है वो कहाँ नहीं आएगा, 2001 में नहीं आएगा, ठीक। अब आप इसे फिक्स करेंगे, तो फिक्स कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसका ज्यादा गैप है वो ले लीजिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं मेन, ठीक, 5 या 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब 6 में भी आप डी को राजस्थान नहीं मिलेगा, इससे तो फिक्स कर नहीं सकते। बाकी एफ डी सी जो गिवन है वो भी आपका लाइन से नहीं गिवन है, उन्होंने बस कह दिया है कि आपका डी जो है वो बीच में आएगा एफ एंड सी के, तो वो कहीं भी आ सकता है, कितने भी गैप में आ सकता है। तो बेसिकली आप लोग इसी वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो देखो अगर जी दिल्ली आता है, ठीक है, अगर आपका जी यहां पर आता है और इसको हम दिल्ली देते हैं, तो यहाँ पे फिफ्थ ईयर आफ्टर बोला था ना, यानी कि आप 4 का गैप करोगे और फिफ्थ वाले में 2002 3 4 5 का गैप, यानी कि 2006 में आपका क्या आएगा, ई एम पी आएगा, ठीक। अगर आप 4 को जी दे देते हो, 2004 को जी दिल्ली देते हो, तो 5 प्लस करोगे तो 9 को आपको क्या देना होगा, ई एम पी देना होगा। तो इसको आप दिल्ली को यहां लिख लो और यहां पर क्या लिख लो, ई एम पी। 2006 में अगर आप जी दिल्ली देते हो तो 5 प्लस करके 2011 में ई एम पी देना होगा, लेकिन आप नहीं दे सकते हो, राइट। 2007 में अगर आप जी दिल्ली देते हो तो इसे 5 प्लस कर लो, तो यहां पे 2012 में क्या दोगे, ई एम पी, ओके। उसके अलावा 2009 में भी आप जी दिल्ली दे सकते हो, तो अगर आप इसमें 5 प्लस करते हो 2010 11 12 13 और 2014 में आपको ई एम पी देना होगा, लेकिन 2014 यहाँ पे है नहीं, इसलिए यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक। तो आपकी बेसिकली 3 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब आप इसे हटा देंगे, अब आप सिक्किम और असम वाले को ले लो। फर्स्ट वाले डायग्राम में सिक्किम अगर 2004 पर आता है तो 3 प्लस करके असम जो है 2007 में आ सकता है, और इसके अलावा अगर 2009 में सिक्किम आता है तो 3 प्लस करके असम आपका 2012 में भी आ सकता है। तो अभी पॉसिबिलिटी है इसकी, है ना, इस वाले में क्या हो रही है, दो पॉसिबिलिटीज निकल रही है, राइट। इस वाली कंडीशन को देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर सिक्किम 2001 पर आता है तो असम जो है वो 4 पर आना चाहिए, बट नहीं आ सकता। 2006 में अगर आपका सिक्किम आता है, 2009 में आपका असम आना चाहिए लेकिन नहीं आ सकता। 2007 में अगर आपका सिक्किम आता है तो आपका 2010 में असम आना चाहिए, लेकिन वो तो है ही नहीं। 2012 में अगर आपका सिक्किम आता है तो आपका जो असम है वो कब आना चाहिए, 2015 में, लेकिन वो भी नहीं है। तो बेसिकली इस वाले डायग्राम में तो आपकी पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही है, तो इसको हटा देते हैं, और इसकी जो दो पॉसिबिलिटी बन रही है उसको मैं यहां पे लिख देती हूं ताकि आप इसको देख पाए, ठीक, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ेगी। यहां पे जो आपके पॉइंट्स हैं वो बहुत कम है, ऐसे एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल है यहां पे, राइट। तो यहां पर क्या है पॉसिबिलिटी कि अगर सिक्किम आपका यहां पर आता है, ठीक, तो उसके 3 साल के बाद क्या आएगा, आपका असम आएगा, है ना। तो असम कहां पर आ जाएगा, 2007 में। एंड इसके अलावा आपकी एक पॉसिबिलिटी और थी कि अगर 2009 में सिक्किम आता है
तो आपका 3 साल के बाद असम कहाँ आ सकता है, 2012 में। ओके इस वाली कंडीशन में देखोगे, अच्छा असम जो है वो आप बी को दोगे तो उसको लिख लो। इस वाली कंडीशन में देखोगे तो 2001 में अगर आप सिक्किम देते हो तो असम 2004 में आ सकता है, एंड 2004 में सिक्किम देते हो तो 7 में तो असम आ नहीं सकता, 6 में अगर आप सिक्किम देते हो तो 9 में असम आ सकता है ना। और बस यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसमें आपकी दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं, तो इसकी हम दो पॉसिबिलिटी बना लेंगे। ठीक है जी, दिल्ली, EMP, ठीक है। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका सिक्किम यहां पर आता है तो आप 3+ करके असम यहां कर लेंगे बी, एंड इसके अलावा अगर आपका सिक्किम यहां पर आता है तो 3 years आफ्टर असम आ जाएगा यहां पे। ठीक, ये पॉसिबिलिटीज है, बना लोगे। बी को असम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर के बारे में, उन्होंने एक वो दे दिया है कि वेस्ट बंगाल से पहले राजस्थान और वेस्ट बंगाल के बाद मणिपुर आएगा, तो 3 ही आपके यहाँ पे दिए गए हैं और 3 ही बचे हैं, तो इसको तो आप सीधा सीधा फिक्स कर दोगे, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मणिपुर। ठीक, यहां पर ऐसे, यहां पर कैसे फिक्स करोगे, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर, यहां पर कैसे फिक्स होगा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, यहां पर राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मणिपुर, और मणिपुर यहां पर ए को मिलेगा, तो ए यहां पे आप फिक्स कर दोगे। ठीक है, ठीक। अब आपको एफ डी सी गिवन है, तो एफ यहां पर, डी यहां पर, सी यहां आ जाएगा, यहां पर आपका एफ आ गया, डी और सी आ जाएगा, एफ यहां पर, डी यहां पर, सी यहां पर आएगा, एफ यहां पर, डी यहां पर और सी यहां पर आएगा। ठीक, अच्छा एफ जो है वो 2001 में नहीं आएगा, तो आपकी ये पॉसिबिलिटी और ये दोनों कट गई यहीं पे। ठीक है, देन उसके बाद डी को क्या नहीं मिलेगा, डी को राजस्थान नहीं मिलेगा, तो इस वाली कंडीशन में देखो डी को क्या मिल रहा है, राजस्थान, इसलिए ये कंडीशन भी कट हो जाएगी, आंसर आपका इसमें आएगा, तो ये होगा आपका करेक्ट डायग्राम। ठीक, तो देखो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कम पॉइंट्स थे इसलिए पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा थी, और काफी मतलब ये आपके पीओ लेवल का क्वेश्चन था, और इसी लेवल की तैयारी करो, इस लेवल की तैयारी में स्पीड बढ़ाओगे ना तो आप क्लर्क लेवल बहुत ही आराम से 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन नहीं करे जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 17-17, 18-18 मिनट में 35 क्वेश्चन करके बैठ जाते हैं क्लर्क लेवल। तो ठीक, तो इतनी आप लोग अपनी प्रिपरेशन तो करिए, क्योंकि आपकी वैकेंसी बहुत अच्छी है, 0.25 वाला चांस भी बिल्कुल मत छोड़िएगा इस बार। गिवन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी बिलोंग्स टू राजस्थान, राजस्थान से कौन सी कंपनी है, तो एफ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देन हाउ मेनी एस्टैब्लिश वर कंपनी आफ्टर बी, बी के बाद कितनी कंपनीज एस्टैब्लिश हो रही है, तो खाली 1, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, एंड इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कभी ना मिले तो प्लीज आप चैनल को डेली विजिट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।